क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 4 पार्ट 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5। चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 4 केमिस्ट्री और अभ्यास प्रश्न हम लोग हल कर रहे थे। तो देखो आज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इतना क्वेश्चन हम लोग आज हल करेंगे। समझ रहे हो? ब्लैक बोर्ड पर देखो, एकदम ब्लैक बोर्ड पर देखो, 2, 3, 4, 5, 6 हल करो, एकदम कोशिश करो समझने की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, जा सकते हैं, कह रहा है कि एक अभिक्रिया दिया गया है 2A+B और रिएक्शन के चिन्ह बना कर दिया है। ए टू बी के लिए वेग बराबर डाला हुआ के ए बी दो, जहाँ के का मान 2.0×10⁻⁶ मोल माने प्रति मोल स्क्वायर और फिर आपका लीटर स्क्वायर सेकेंड है। प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए जब ए का मान इतना हो और बी का मान इतना हो, और अभिक्रिया का वेग की गणना कीजिए जब ए घट कर इतना हो जाता है। तो चलो भाई हम लोग लिखते हैं, खूब बढ़िया ब्लैक बोर्ड पर देखो, एकदम आराम से देखो। दूसरा क्वेश्चन हल करते दिया है 2A, देखो रिएक्शन में जो आपके पास दिया है 2A+B और लिखा गया है ए टू बी, 2A+B और क्या लिखा है ए टू बी। अच्छा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि वेग बराबर दे दिया आपके पास, के दिया है और फिर आपके पास ए दिया है, ए है और बी के ऊपर कितना है 2 है, और के का मान, के को वेग इस तरह कहते हैं बाबू, इसका मान दिया 2.0×10⁻⁶ प्रति मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकेंड आपका, ठीक है। तो कहाँ निकालना है, प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग पूछ रहा है कितना होगा, और जो ए है ए का मान आपके पास दे दिया गया है 0.1 मोल प्रति लीटर, और जो बी है बी का मान दे दिया है 0.2 मोल प्रति लीटर, ठीक है ना, ये दे दिया है। तो अभिक्रिया का वेग का भी गणना करना है, इसका अभिक्रिया का वेग। चलो मैं इतना डाटा आपके किताब में दिया है, हालांकि फिर ए का मान घट करके कुछ हो जाता, माने दिखा रहा है ना कि ए का मान घट कर कितना हो जाता है, 0.06 मोल प्रति लीटर, 0.06 मोल प्रति लीटर। अच्छा मानो इतना तो केवल डाटा दिया, का दिया डाटा, और का पूछ रहा है प्रारंभिक वेग, तो देखो प्रारंभिक वेग के लिए यहाँ पर ये सूत्र दिया। चले हल करें, माने आपको एक बार ए निकाल लो, मान लो इसको, और इसको बी मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं, ए निकालते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग का दिया, देखो बाबू के दिया है, ए दिया है और बी के ऊपर कितना दे दिया 2, बस आपको मान भरना है। चलो जहाँ के है, के का मान दिया ना इतना 2.0×10⁻⁶, आ जहाँ गुणा कर दो, जहाँ ए है ए का मान कितना 0.1 गुण है, जहाँ बी है 0.2 लेकिन स्क्वायर है तो आप 2 बार लिखेंगे, देख रहे हैं ना, सीधा बैठो, पहले 0.2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो डबल तो लिखेंगे, तो देखो डबल लिख दिया गया। अच्छा गुणा करो, अभी 2 कितना 4, और फिर इसमें गुणा करोगे 4×4, देखो कैसे लिखोगे 2.0, अच्छा 4×8 भी लिख लो, ये 4 हो रहा है ना, इसमें गुणा कर दो 4×2 कितना 8, लेकिन अच्छा एक काम करो, पहले 2 लिखो 10⁻⁶, ये 4 आ रहा है ना, तो 4 आ रहा है तो कितने अंक दशमलव लगेगा, 1 अंक 1 3 अंक, तो 1 तो 4 है, 1 ये 0 1 ये 0, यहाँ पर दशमलव आपके पास आ गया, और फिर 4×2 कितना हो गया 8, तो 8 गुणे, अच्छा ये काम करो सबसे अच्छा रहेगा ना, ये दिक्कत हो जाएगा, 10 हटा दो, नीचे 10×3 हो जाएगा, 3×0 अंक बाता, तो आपके पास हो गया, देखो अब 4×8, अरे 4 के पहले जो 0 होता है इसको कोई मोल नहीं होता,
चार दुना आठ गुना दस के ऊपर माइनस छः, ये जाएगा दस के ऊपर माइनस तीन, हो गया आठ गुना दस के ऊपर माइनस नौ। दस के ऊपर माइनस का आ गया नौ, ये क्या आपका आ गया प्रारंभिक वेग। अब इसका मात्रक भी आप लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यानी हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। एक बार समझ लो, हमारे पास प्रारंभिक वेग पूछा था कि ए बी के ऊपर दो, तक के का मान देखिए यहाँ पर दिया गया, हमने भर दिया और ए का मान इतना है और बी का मान 0.2 है, यहाँ पर 0.2 दिया है, स्क्वायर डबल लिख देंगे और गुणा करके हल करेंगे तो इतना हमारे पास आंसर आ गया। समझ रहे हो, तो ये आपके पास प्रारंभिक वेग निकल गया। चलो बी नंबर आ जाओ, बी नंबर क्या कह रहे हैं इसमें देखते हैं। अब क्रिया का वेग लेकिन देख लो ध्यान से बाबू, ए के मात्रा घट कर क्या आता है 0.2, तो सुनो ध्यान से, पहले देखो कि यहाँ से निकालना ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, तो देखो पहले ए का मान कितना दिया था, पहले ए का मान दिया है आपका 0.1, और घट कर कितना हो जा रहा है बाबू 0.06। अच्छा घटा दोगे ना, इसका आगे कि 0.0 बढ़ा लो तो 10 में से 6 हो गया कितना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 9, 9 बचे क्योंकि घास लिया तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, कितना आएगा 0.94 आ जाएगा। अरे 10 में 6 हो गया 4, हाँ यार इधर 0 हो गया तो 0.04 हो गया आपका, इतना मोल प्रति लीटर जो होता है मात्रक उसको लेते हैं, माने ए के मोलों की संख्या आ गया। अब आपको जानते हैं क्या लिखना है, बी के मोलों की संख्या, समझ रहे हो ना, किसके मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या। तो देखो ध्यान से, जो बी के आप चाहे याद रखो कभी ध्यान से, यहाँ देखो जब ए के मोलों की संख्या कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है, देख रहे हैं 0.4 का मतलब होता है कि इसका दुगुना आ रहा है रिएक्शन में। हो ए के मोलों की संख्या क्या है जियो, आपका ए टू है ना, तो ए टू का मतलब हुआ कि ए का जो मोलों की संख्या है 0.04 आ गया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बी के मोलों की संख्या कितनी होगी, तो ए का आधा होगा, देखो ए के नीचे 2 लिखा है, ए के नीचे 2 का मतलब है भाई कि अगर एक मान 10 बा तो बी का मान क्या होगा आधा होगा, खाली बी आपका है अकेले है तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा बी के मोलों की संख्या, तो 0.4 कितना है 0.4 है, इसका आधा होगा 2 से भाग दे तो काट दो आ जाएगा 0.02, इतना आ गया। का पूछा आपसे, आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज़, अभिक्रिया का वेग ना पूछा जा रहा है, तो लिख लो अभिक्रिया का वेग, कहा जाएगा अभिक्रिया का वेग, सूत्र दिया है के लिखा है, फिर ए लिखा है और फिर बी के ऊपर का लिखा है 2 लिखा है, समझ रहे हो। अब क्या लिखेंगे, के का मान आपके पास मौजूद है रख दो, के कमान दिया है यहाँ पर 2.09 के ऊपर माइनस, ये लिख दिया हमने, और ए हमको मालूम हो चुका है क्या आया है 0.04, बी आपको मालूम हो चुका है 0.2 × 0.2, चलो गुणा करो देखो ये 2×4 चौक कितना हो जाएगा 16। एक काम करो पहले लिखो 2×10 के ऊपर माइनस 6 ऐसे लिखो, यहाँ 16 लिख लो, और देखो 2 अंक ये हैं, एक अंक ये, एक 4 अंक हो रहे हैं ना, तो 10 को 4 नीचे लिख लो, ठीक है, तब हो जाएगा 16×32 लिख लो, गुण है 10 के ऊपर माइनस 6 ये जाएगा तो 10 के ऊपर माइनस 4 तो 32 हो जाएगा, और 6 चार कितना 10 के ऊपर माइनस 10, 10 के ऊपर माइनस 10, और इसका भी मात्रक वही होता है मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। किस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते, क्या कर रहे हो, ये कौन पढ़ेगा बताओ, कौन पढ़ेगा इस तरीके से आप इसको हल, ठीक है बना लोगे
और सर भी रिवा इसे लगा। तो ये सवाल नंबर आपका दो था, लिख लो लिख लो। देखो थ्री नंबर का कह रहा है, सुनो, कह रहा है कि प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि का अभिक्रिया है, शून्य कोटि का अभिक्रिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर बताइए जब के का मान दिया गया है। अच्छा बताओ तुम ध्यान से, प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि का अभिक्रिया है ना, तो अमोनिया का अपघटन हो रहा है, अमोनिया को तोड़ा जा रहा है, तो देखो रिएक्शन जब लिखेंगे तो क्या होगा, एन एच थ्री है, जब इसको तोड़ोगे तो टूटेगा, ये एन बनो तो जो हाफ एन टू निकला, टू से टू कर दिएगा यहाँ, और कह गो हाइड्रोजन है तीन गुनू, तो आप इसको लिख सकते हैं तीन बटा दो एच टू, तीन बटा दो। अच्छा ऐसे हम लोग क्यों लिखे, हम आपको समझाते हैं, देखो रिएक्शन का है, अमोनिया है, अमोनिया का अपघटन हो रहा है, तो सुनो अमोनिया का अपघटन, और अपघटन का मतलब होता है टूटना, तो जब अमोनिया में एगो नाइट्रोजन बा तो दू भाई कबो नाइट्रोजन टूटी तो एन टू जरूर नीचे रही, एन टू माने नाइट्रोजन लिखोगे तो एन टू जरूर, हाइड्रोजन लिखोगे तो एच टू जरूर, क्लोरीन लिखोगे तो सी एल टू जरूर, ब्रोमीन लिखोगे तो बी आर टू जरूर, तो मान लो एन टू है, हमारे पास यन यहाँ पर एक है, तो यहाँ एन टू लिखे हैं तो दो से दो कट जाएगा, देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक बटा दो गुणे दो, तो ये दो से दो का कट जाता है, ये बात समझ गया। यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर तो कितना है, तीन है, तो इसके लिए तीन बटा दो गुणे हाइड्रोजन दो है, तो दो से दो कट गया तो हाइड्रोजन कितना आ गया, तीन आ गया, तो ये चलो भाई हमने क्या लिख दिया, रिएक्शन लिख दिया। अब आगे इसमें कुछ क्वेश्चन कहा, देखो कह रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के उत्पादन की दर पूछ रहा है, नाइट्रोजन की उत्पादन की दर, उत्पादन की दर ये पूछ रहा है, और हाइड्रोजन की उत्पादन की दर ये पूछ रहा है। चलो भाई पूछेगा तो क्या करेगा। अच्छा इसमें के का मान दे दिया बाबू, सुन लेते हैं ध्यान से, के का मान कितना दिया है, 2.5 गुणे 10 के ऊपर माइनस 4 मोल, देखो बाबू मोल इसको पढ़ेंगे, देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, बात समझ में आई कि उड़ गया हवा में, कोई दिक्कत नहीं है, जो मान दिया उसको मैंने लिख लिया। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, क्या पूछ रहा है सवाल में, आप पढ़े होंगे कि अभिक्रिया का जब वेग लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है भाई, अभिक्रिया का जब वेग लिखा जाता है तो वेग क्या लिखाता है, वेग लिखाता है जो जिसका निकालना, ये जो देख रहे हैं इसको लिखेंगे हम लोग डेल्टा एन टू बटा में डेल्टा टी होता है, तो एक बहुत ध्यान से देखो होता है ना, माने आप पढ़े थे जब मैंने लिखा था उत्पाद के रूप में जब लिखा जाता है तो जो तत्व है उसको लिखेंगे और नीचे डेल्टा टी, क्योंकि नाइट्रोजन की उत्पादन की दर, तो नाइट्रोजन जो कहेगा तो ऊपर और दर कहेगा तो नीचे डेल्टा टी होगी। अब देखिए यहाँ एक बटा दो है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब एक बटा दो होता है तो एक बटा दो का मतलब होता है कि इसमें एक बटा दो से आप गुणा कर देंगे, हमेशा एक बटा दो से क्या करते हैं, गुणा कर देंगे, एक बटा दो से, आ इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हाँ के लिख देंगे। अब पूछो सर आप क्यों के क्यों लिख दिए, क्या कर रहा था कि आप लिख दिए, अब हम बताते हैं, खूब बढ़िया से समझो, आप पढ़े थे कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकार्य के संद्रता वेग स्थिरांक और अभिकार्य के संद्रता के यन घात के समानुपाती होता है ना। अच्छा चलो वेग वही लिखो कि आप वैसे ही रखो, अब देखो यन के जगह पर लिख दो जीरो, क्यों लिख रहे हैं जीरो, क्योंकि आपके सवाल में लिखा है शून्य कोटि का अभिक्रिया, तो बताओ जरा जब ये शून्य कोटि का है तो ये हो गया आपके पास वेग बराबर कहाँ आ जाएगा के, एक मान तो एक हो जाएगा छोड़ देंगे, तो जहाँ वेग है वहाँ कहाँ लिख सकते हैं के, जहाँ वेग है तो कहाँ लिखेंगे के, यानी कहने का मतलब होता है कि जहाँ अभिक्रिया का ये जो वेग देख रहा है इसी को तो वेग ही ना कहेंगे, इसको तो वेग कहेंगे अभिकार्य के संदर्भता और समय अंतराल के अनुपात को, तो यह लिखा गया कि अब लिख लो एक बटा दो और गुणे के का मान 2.5 गुणे 10 के ऊपर माइनस 4 और दो से भाग दे दो तो दो एक कम दो, दो दुना 4, 5 दुना 10 गुणे 10 के ऊपर माइनस 4, अब वेग का मात्रा का होला फिक्स वायु मात्रक मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। चलो भाई तो ये किसका मान निकल गया, नाइट्रोजन की उत्पादन दर आपकी निकल गई,
किसकी उत्पादन दर? नाइट्रोजन की उत्पादन दर आपकी निकल गई। अब किसका निकालना है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की उत्पादन दर, उत्पादन मोल का हुआ, मोल के बीमा कैसे निकली? मोल के बीमा कहाँ होता है? बीमा निकाला चार्ज मोल पर। अरे यार, यहाँ बीमा निकालना होगा तो मोल का छोड़ देते हैं, इसका कोई बीमा नहीं होता। लीटर का यल पथरी हो जाएगा। अरे लीटर आयतन का मात्रक होता है ना, लीटर आयतन का मात्रक होता है, तो वो आर क्यू तो यल थ्री आ जाएगा इसके जगह पर, और सेकेंड के जगह पर आपका टी हो जाएगा। मतलब केमिस्ट्री पढ़े तो बीमा क्यों, इसमें कुछ नहीं होते, कहा फिजिक्स में बीमा पूछा जाता है, केमिस्ट्री में थोड़े बीमा आता। चलो, हाइड्रोजन के उत्पादन की दर होगा, तो हाइड्रोजन के उत्पादन की दर में क्या लिखेंगे? देखो जरा ध्यान से, डेल्टा एच बटा डेल्टा टी, क्या लिखाएगा ना, जैसे और इधर लिखते हैं डेल्टा एच बटा डेल्टा टी, लेकिन इसके आगे किससे गुणा होगा? 3/2 से। क्यों? देखो, क्योंकि 3/2 है, और अभी आपको जस्ट बताया गया है कि जहाँ ये है उसके जगह पर क्या लिखेंगे, कि हमेशा नहीं लिखा था, शून्य कोटि का अभिक्रिया हुआ, इसलिए चलो अब 3/2 ऐसे ही लिखो। जहाँ के है, के का मान दिया है 2.5 गुणे 10^-4, भाई दो से काट दो इसको, 2 + 2 इतना, अब गुणा करोगे 25 × 3 = 75, और 3 + 3 = 3.75 गुणे 10^-4 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड हो गया। बात समझे हो? इस तरीके से लगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले देख लो तब उतारना, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। चलो, प्रश्नावली चार नहीं, मैंने आपको 4 को हल करना, 4 को क्या करना, देखो कैसे आप हल करेंगे। 4 को हल करने के लिए तरीका आपको पहले बता दें, कहाँ का लिखा है प्रश्न पढ़ते हैं, पढ़ें। कह रहा है कि डाई एथिल ईथर के अपघटन में मेथेन, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण इस प्रकार है, वेग बराबर के और CH3O CH3 ⁄3/2। तो सुनो ध्यान से, कहता है कि अभिक्रिया का वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है, अतः वेग समीकरण को डाई मेथिल ईथर के आंशिक दाब के पदों में भी दिया जा सकता है। एक और आपका लिखा है वेग बराबर के पी लिखा है CH3O CH3 ⁄3/2। आप सुनो ध्यान से, यदि दाब को बार में तथा समय को मिनट में मापा जाए तो अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगी? अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? वेग स्थिरांक का मात्रक। बहुत ध्यान, इस सवाल में कुछ बाना सीधे नीचे आ जाओ और सब छोड़ छाड़ दो, बस इतना जानो का दिया है। बताओ, सवाल में आपका दिया है दाब का मात्रक, का दिया है बाबू, आज दाब का मात्रक का दिया है बार, यानी जहाँ दाब होगा तहाँ बार लिखेंगे। समय है, और समय का मात्रक का दिया है, समय का मात्रक मिनट दिया है, समय का मात्रक का दे दिया। का निकालना है, एक बार कह रहा है कि वेग का, अच्छा इकाई जहाँ होगा, इकाई का मतलब मात्रक होता है, कहें कि इकाई को भी अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं और मात्रक को भी यूनिट कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है वेग स्थिरांक का मात्रक, ये सवाल का पूरा कंप्लीट जो डाटा है वो रहा। दाब का मात्रक का दे दिया है बार, जानते भी होंगे आप, 11 में पढ़े भी थे, दाब का मात्रक बार होता है, दाब का मात्रक वायुमंडल भी होता है, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, टॉर भी होता है, बार भी होता है, ठीक है, और वेग का मात्रक, समय का मात्रक मिनट भी होता है, सेकेंड भी होता है, घंटा भी होता है, दिन भी होता है, वर्ष भी होता है, प्रकाश वर्ष भी होता है। खैर, तो वेग बराबर आपका एक सूत्र होता है, याद करेंगे और आप पढ़े भी होंगे, वेग बराबर आंशिक दाब या दाब बटा समय कहते हैं, सब लोग याद किए, सब 11 में पढ़े थे आप। चलो भाई, दाब का मात्रक का लिख लो बार, और समय का मात्रक मिनट, निकलता गया इसका मात्रक बार प्रति मिनट। ए बाबू, जब नीचे बात ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बार प्रति सिंपल दाब का। अच्छा, इधर आ जाओ, अब आते हैं, ये तो ए नंबर मान लो, बी नंबर में आपसे पूछ रहा है वेग स्थिरांक का मात्रक, किसका? वेग स्थिरांक का मात्रक, तो बता दो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो इसको भी मात्रक अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे?
बेग स्थिरांक बराबर होता है, देख लो बेग बट्टा, देख लो ध्यान से, बेग बट्टा जो दाब है वह होता है, बेग स्थिरांक बराबर होता है बेग बट्टा दाब, बेग बट्टा अच्छा दाब आपका दिया था ना, देखो ना पी लिख रहा सी एस थ्री ओ सी एस थ्री के ऊपर तीन बटा दो, दाब के ऊपर तीन बटा दो लिख, दाब के ऊपर कितना लिखा गया तीन बटा दो, बेग बटा दाब होता है बेग स्थिरांक। अब बेग का मात्रा क्या निकाले हैं आप, क्या निकला है बार प्रति मिनट, चलो लिख लो बार इंटू मीटर पर माइनस, और दाब का मात्रा क्या होगा भाई, फिर दाब का मात्रक बार होगा ना, बार के ऊपर तीन बटा दो, तो आइए को बार बार हाई बार जन जा रहा है इसके ऊपर माइनस तीन बटा दो, हाई आपका मिनट है मिनट पर माइनस वन, तो ये को बार लिखो एक लिखो माइनस तीन बटा दो लिखो या मिनट लिखो इसके ऊपर माइनस एक लिखो, बार लिखो हाई दो माइनस तीन बटा में दो लिखो हाई मिनट लिखो इसके ऊपर माइनस एक, तो बार के ऊपर माइनस एक बटा दो और मिनट के ऊपर माइनस एक, ये हमारा आंसर। अच्छा बहुत सिंपल सवाल था, बस आप किताब पर ही फार्मूला लिख लीजिएगा इसी से बता दीजिएगा, बस समझ रहे। चलो आ जाओ पाँच नंबर सवाल के पास, पाँच को हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया के विद्युत प्रवाह डालने वाले उत्पाद। हाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक, तो क्या क्या लिखोगे, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक, कितने कारक होंगे, आप सभी लोग पढ़े भी होंगे कारक में, एक दो तीन चार पाँच, पहला आपका था अभिकारक की सांद्रता, याद करो अभिकारक की, और मैंने बताया था कि जब अभिकारक की मात्रा सांद्रता की मतलब मात्रा बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है बढ़ जाता है, दूसरा आपको बताया थे ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाते हैं तभी अभिक्रिया का वेग क्या होता है बढ़ जाता है, तीसरा पढ़े थे दाब का प्रभाव, दाब भी बढ़ाते हैं तभी बढ़ जाता है, और चौथा पढ़े थे उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, और एक और आप बता सकते हैं कि अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव, अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पाँच था, पाँच, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, छः के हल करते हैं हम लोग, आज हम लोगों ने छः क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, छः नंबर क्वेश्चन हल कर लोगे, छोड़ दें, समझा देते हैं, लगा लेना, कह रहा है किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया द्वितीय कोटि के है, बाबू अभिक्रिया कहना कोटि के बाद, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होता है यदि एक बार अभिकारक की सांद्रता दुगुना कर दी जाए और एक बार अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी जाए, एक काम करो यहाँ पर बता रहे हैं मिटा दे इसको, एक भी नहीं लिखे हो, ठीक है तो समझ रहे हैं, बोले सुनो सुनो अभिक्रिया का जो वेग है वह कौना कोटि का है द्वितीय कोटि का, बोले समझ लो छः नंबर क्वेश्चन एकदम अच्छा समझो, अभिक्रिया का जो वेग है वह द्वितीय कोटि का है तो इसके ऊपर दो लिख, ठीक है। अच्छा ए नंबर क्वेश्चन को हल करना है और फिर बी नंबर को, ए नंबर क्या कर रहा है कि जब अभिकारक की सांद्रता को दोगुना कर दें, क्या कर दें, तो सुन लो बाबू वही समीकरण नंबर एक ऐसे ही रख लेना इसको जो दिया है, नहीं सुनो हाई वेग वैसे ही लिखो, ठीक है, एक काम करो ये वेग को आर मान लो और इसको आर डैश मान लो के वहीं रखो, अब क्या कह रहे जानते हो, ये नंबर ही कर रहा है कि अभिकारक की जो सांद्रता है दुगुना कर देते हैं, तो जहाँ ए है तहाँ टू ए लिख लो, तो टू ए का वर्ग तो के वैसे ही रखोगे तो चार ए का वर्ग हो जाएगा, दुगुना करे इसी लिखोगे, अब सुनो पूरी ध्यान से, अब जहाँ जहाँ देखो जहाँ जहाँ के ए स्क्वायर है, कहाँ है के स्क्वायर है, चार वैसे ही रखो के ए स्क्वायर के जगह पर, के ए स्क्वायर के जगह पर आर लिख सकते हैं ना, आर आर का मतलब क्या हुआ, आर का प्रारंभिक वेग है, तो जो अभिक्रिया का अंतिम वेग आएगा अब वो चार गुना आ जाएगा, k
कितना गुना आ जाएगा? अच्छा इसी में बी नंबर क्या कहता है, फिर आर डैश बराबर कह रहा है कि अभिकारक की सन्दरता को आधा कर देता है, अभिकारक की सन्दरता को क्या कर देते हैं आधा, तो अगर पहला ए है तो दूसरा ए बट्टा दो हो जाएगा ना आधा इसका वर्ग, तो कह रहा है कि हो जाएगा और ए स्क्वायर बट्टा में दो, तो चार होगा, दो नहीं चार होगा क्योंकि दो का वर्ग चार। और इसके जगह पर फिर क्या लिखा जाएगा, प्रारंभिक भी फिर आर लिखा जाएगा, तो माने अब क्या हो जाएगा एक चौथाई हो जाएगा, एक बटा चार गुना हो जाता है, हो गया आंसर, ठीक है।